बच्चों, आज मैं तुम्हें जो कराने जा रहा हूँ ना, वो बहुत वैल्यूबल है आपके लिए। आप सबको प्रॉब्लम आती है बिजनेस स्टडीज के केस स्टडी में। आपको पता है, बिजनेस स्टडीज में आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा, जिसके अंदर 50 MCQ होंगे। उसमें से 40 MCQ कोई भी करने हैं। CVT 2024 की बात करूं, इन 40 MCQ में क्लास आपको 200 नंबर का वेटेज है। हर क्वेश्चन सही जाएगा तो 5 नंबर, गलत जाएगा तो माइनस का वन मार्क। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में आप सबको बताना चाहूंगा, मैं चैप्टर 1 से लेकर पूरे चैप्टर 12 तक आपको एनसीईआरटी क्लास बहुत अच्छे से करा दूंगा। मैंने क्लास पूरे एनसीईआरटी दोनों बुक के अच्छे से क्लास नोट्स बना रखे हैं, और एक एक नोट्स मैं तुम्हें यहां पे दिखाने वाला हूं। और यकीन मानो, मैं गारंटी से 100% श्योर हूं कि मैं तुम्हें जितना यहां पे कराऊंगा, इससे बाहर कुछ भी आपके सीवीटी के पेपर में नहीं आएगा। इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आज मैं तुम्हें चैप्टर 1 पूरा का पूरा एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मार्क कर रखे हैं। ये क्लास आपको एसपीसीसी ऐप पे क्लास पीडीएफ में आपको दे दूंगा। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगले दिन, आज मैंने तुम्हें ये पूरा का पूरा पढ़ा दिया, अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर 1 करा दूंगा एनसीईआरटी से, और कीवर्ड्स वगैरह तुम अपने आप कर लेना जो मैंने 12th में कराए थे। इससे बाहर कुछ नहीं, A to Z लाइन, सेम टू सेम लाइन उठ के आती है एनसीईआरटी से। आप कहीं भी सीवीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक बार अपने टीचर से पूछना क्या सुनील सर ने ये बोला है, एनसीईआरटी से एग्जैक्ट लाइन उठ के आ जाता है पेपर में। अपने सीनियर से पूछना ये बात सही है या नहीं है। 50 बच्चे हमारे लास्ट ईयर एसआरसीसी के अंदर गए थे, 50 बच्चे, और क्लास वो तभी गए थे क्लास, क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट किया था। तो आप यहाँ पे यूट्यूब पे ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें 12 के 12 चैप्टर पढ़ाऊंगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं तुम्हें कराऊंगा। तो आज मैं तुम्हें क्लास यहाँ पे दिखाकर पूरा का पूरा करा रहा हूँ। कल मैं इसके एमसीक्यू डालूंगा, फिर परसों मैं क्लास चैप्टर नंबर 2 डालूंगा, फिर उसके अगले दिन उसके एमसीक्यू। इस हिसाब से नेक्स्ट 24 डेज के अंदर, नेक्स्ट 24 दिन के अंदर हम पूरा का पूरा बिजनेस स्टडीज खत्म कर देंगे। यकीन मानना, क्लास 50 में से 40 क्वेश्चन बड़े प्यार से आराम से आप बना लोगे। आज की वीडियो को प्लीज अपने हर एक सीवीटी दोस्त को, जो सीवीटी कर रहा हो, अपने क्लास 12th के बच्चों को शेयर जरूर करना। 5,000 लाइक एटलीस्ट आप इस वीडियो पे करवाओ, इतना सपोर्ट करो। मैंने एक एक चीज क्लास लाइन को रीड करके अच्छे से तुम्हारे लिए पूरे नोट्स वेल डिजाइन कर रखे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इसे क्लास अपनी कॉपी में लिख लेना हेडिंग के साथ साथ, और ये हमेशा बिफोर एग्जाम देख कर चले जाना, आराम से हो जाएगा। तुम्हें एनसीईआरटी रीड करने की, एनसीईआरटी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो पढ़ा है 12th में उस हिसाब से पढ़ो, और साथ में ये जो सीरीज चलेगा नेक्स्ट 24 डेज तक, डेली शाम को 5 बजे वीडियो आएगा, एक दिन एमसीक्यू, एक दिन चैप्टर का रिवीजन, एनसीईआरटी, वो भी स्पेशली आपके सामने एनसीईआरटी पड़ी हुई है, वो आप जरूर बनाना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, मैनेजमेंट। तो कुछ बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। आप सबको पता है, जो क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, वो यार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सीक्वेंस वाइज आप अरेंज करो, जैसे जो प्रोसेस होते हैं उसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करो, या फिर क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। इस तरीके से क्लास बहुत से डिफरेंट डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर करा रखे हैं। हर चीज जो इंपॉर्टेंट है, जहां मतलब आ सकता है पेपर में, सीयूटी में सब कुछ करा रखा है। तो आज पहली क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ हम कैसे प्लान करने वाले हैं, बट अगली क्लास से एक एक करके सारे चैप्टर बहुत अच्छे से खत्म हो जाएंगे। भरोसा रखना, क्लास एनसीईआरटी तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं यहीं पे करा दूंगा। एक चैप्टर अप्रॉक्सिमेटली 20 मिनट का लूंगा अच्छे से, और 20 MCQ मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQ में से, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं उनमें से कराऊंगा, देखना मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, बाकी मॉक टेस्ट आप बना ही लोगे। ठीक है, सबसे पहले द टॉप कंपनी इन इंडिया, इट्स क्लास रीजन टॉप बिकॉज, देखो कोई भी कंपनी अगर टॉप पे है तो वो किसकी वजह से है, अपनी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट की वजह से। ध्यान रखना, टॉप कंपनी जो भी है क्लास, वो किस वजह से है, अपनी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट पे ध्यान रखना। ये मैनेजमेंट की बात है, मैनेजमेंट क्या है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाई चांस बट बाई फॉलोइंग डेलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड, डैश लगा देगा, तो उस डेलिबरेट प्रोसेस को क्या बोला था, मैनेजमेंट। ध्यान रखना बच्चों, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, आप ध्यान रखना, मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है, मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लाइन बाय लाइन सारी चीजें होती है। तो मैनेजमेंट को क्लास हम क्या कहते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। इनकी डेफिनेशन भी ध्यान रखना, बिकॉज ऑप्शन में कोऑर्डिनेशन होगा, मोटिवेशन होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, आपको टिक मैनेजमेंट पे करना है।
मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, ध्यान रखना प्रोसेस है मैनेजमेंट, ऑफ डिजाइनिंग मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच, या फिर आप क्वेश्चन बोल सकता है कि ये सीधी लाइन दे देगा, डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप एफिशिएंटली अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम्स या सिलेक्टेड गोल्स, चार ऑप्शन दे देगा, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, या फिर क्लास प्लानिंग, या फिर मैनेजमेंट। तो क्या है क्लास, प्रोसेस क्या है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन मटेरियल रिसोर्सेज एसेंशियल इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। तो जहां पे मैनेजमेंट होता है ना, वो इफेक्टिव और एफिशिएंट वर्ड भी वहां पे आता है, तो ये भी एक क्लास आपको पूछ सकता है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग एंड थ्रू वर्किंग थ्रू अदर्स टू इफेक्टिव अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बाई एफिशियंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन चेंजिंग एनवायरमेंट। अब ये सब आपको पेपर में देखना है क्लास, याद आएगा जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। तो ये मैनेजमेंट की क्लास अलग अलग डेफिनेशन है, कौन से डेफिनेशन किसने दिए ये आपको 100% नहीं पूछेगा, चिंता नहीं करना। बस आपको ये तो स्टेटमेंट दे देगा, बताओ मैनेजमेंट की रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन से डेफिनेशन गलत है, तो ये आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट एक बात आप ध्यान रखना, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस, इंटर रिलेटेड फंक्शन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग दैट आर परफॉर्म बाई ऑल मैनेजर। तो सारे के सारे मैनेजर्स क्लास परफॉर्म करते हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, अलग अलग काम करते हैं, बट सब लोग कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड परफॉर्म फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ये बात ध्यान रखना। एक चीज और है, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, इफेक्ट ऑप्शन में आएगा इफेक्टिवनेस, एफिशियंसी, बोथ या नन। इफेक्टिवनेस मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ डूइंग राइट टास्क। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, सही टास्क को करना, कंप्लीट करना एक्टिविटी को, गोल्स को अचीव करना। इन अदर वर्ड क्लास इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड रिजल्ट। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है क्लास, एंड रिजल्ट। नेक्स्ट है एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट। टास्क को करेक्टली करना और मिनिमम कॉस्ट, एफिशिएंसी का मतलब लो कॉस्ट में काम को पूरा करना, इफेक्टिवनेस मतलब समय के अंदर विद इन डिजायर्ड टाइम उसके अंदर काम को पूरा करना, भले ही कॉस्ट ज्यादा हो जाए बट समय पे होना चाहिए। यहाँ पे भले ही समय लेट हो जाए बट मिनिमम कॉस्ट पे होना चाहिए, और कंपनी को क्लास क्या करना चाहिए, बैलेंस मेंटेन करना चाहिए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में, ठीक है। अच्छा एक चीज और है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट हैज टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव। टास्क कंप्लीट होना चाहिए और गोल अचीव होना चाहिए, दैट इज इफेक्टिवनेस विद लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि क्लास एफिशिएंसी। तो टास्क भी पूरा होना चाहिए डिजायर्ड टाइम के अंदर और क्लास लो कॉस्ट में पूरा होना चाहिए। यह है क्लास किसकी डेफिनेशन, मैनेजमेंट की डेफिनेशन मैनेजमेंट के बारे में। अच्छा एक चीज और है क्लास, ये जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था ना कॉन्सेप्ट के अंदर, ये जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, हाँ अब सेकंड है क्लास, यहाँ पे सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैनेजमेंट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज करी जा रही हैं वो सबके लिए कॉमन है, चाहे पॉलिटिकल हो सोशल हो। पेट्रोल पंप नीड टू मैनेज एज सच एज हॉस्पिटल और स्कूल, पेट्रोल पंप हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, उसको क्या बोलते हैं क्लास, परवेसिव, यूनिवर्सल है सबके लिए, राइट। सेकंड जो क्लास इसका फीचर है, फीचर बोले कौन सा फीचर को हाईलाइट कर रहा है ये लाइन, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मैनेजमेंट ट्रांसलेट हिज वर्क इन टर्म्स, ये आ भी चुका है, ऑफ गोल्स टू बी अचीव एंड असाइन द मींस टू अचीव इट। इसको बोलते हैं क्लास मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन के अंदर जो पहला पॉइंट है वो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ये लाइन सेम आ जाती है। मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल टू बी अचीव एंड असाइन द मींस टू अचीव इट, इसको बोलते हैं क्लास मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर क्या आता है क्लास, द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल, ह्यूमन रिसोर्सेज को मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट माना जाता है। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बाई मेकिंग देयर स्ट्रेंथनेस इफेक्टिव एंड वीकनेसेस इररिलेवेंट। ध्यान रखना कभी आ जाए ना कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो रेलिवेंट है, वीकनेसेस इररिलेवेंट है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा PYQ, पेपर में आ चुके हैं बेटा, बहुत सोच समझ के इसको एक एक लाइन को रीड करके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ, प्लीज इसको क्लास वेस्ट मत जाने देना। तुम्हें NCERT नहीं पढ़नी, बस मेरे साथ बैठो आराम से 20 मिनट में एक चैप्टर खत्म करो डेली। हम एक चैप्टर खत्म करेंगे, अगले दिन इसके MCQ बना लेंगे, फिर एक चैप्टर खत्म, 24 दिन के अंदर साइड बाय साइड हमारा BST पूरा का पूरा अच्छे से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन किसमें है क्लास, मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर क्लास आता है क्या है, आप सबको पता, ये जानते हो क्लास, हम एक नहीं पूरे टीम, हम सब मिलाकर क्या है क्लास, मैनेजमेंट है। एक चीज और है क्लास, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर क्या क्या आता है, प्रोडक्शन, परचेस, सेल, ये सब आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर। क्या होता है क्लास, ट्रांसफरिंग दिस इनपुट इनटू डिजायर्ड आउटपुट, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है, प्रोडक्शन, सेल, परचेज, ये सारा आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस के अंदर। और मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन, उसके अंदर तीन चीजें आ गई वो आपको पता है, ठीक है।
अगला है कंटिन्यूअस, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कैसे पता चलेगा, ये स्टेटमेंट बोल देगा, बोलेगा बताओ कौन सा फीचर की बात चल रही है इसके अंदर। दीज फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स एट ऑल टाइम, हमेशा हर कोई परफॉर्म करता रहता है, तो ये कंटिन्यूअस है। अच्छा बाकी जो चीजें है ना क्लास वो रीड नहीं करने क्योंकि वो नॉर्मल बातें, वो आपको पता है। जो कीवर्ड्स उठ के आएगा, जिन चीज से क्वेश्चन बनेगा, ये लाइन आपको दे देगा, सीधा लाइन दे देगा, दीज फंक्शंस आर परफॉर्म मैनेज, या फिर बोलेगा मैनेजमेंट फंक्शन, दीज तो नहीं बोलेगा, बोलेगा मैनेजमेंट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स एट ऑल टाइम, बताओ विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट। आपको चार फीचर दे देगा, उसमें आपको टिक क्या करना है, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, मैंने बताया आई को वी से रिप्लेस करता है, दिस रिक्वायर टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट इनटू कॉमन डायरेक्शन, है ना, दिस रिक्वायर टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट इनटू अ कॉमन डायरेक्शन। तो ये अगर लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाना क्लास ये किसकी बात कर रहा है, ये बात करता है क्लास मैनेजमेंट, ये बात करता है आपका टीम वर्क की बात कर रहा है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, उसके क्लास मैंने इमेज भी आपको दिखा दिया था, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाँ ग्रुप एक्टिविटी के अंदर आप ये भी ध्यान रखना क्लास, ये आई को वी से रिप्लेस करता है, एट द सेम टाइम मैनेजमेंट शुड इनेबल ऑल इट्स मेंबर टू ग्रो एंड डेवलप एज नीड्स अपॉर्चुनिटीज चेंज, ठीक है। अपॉर्चुनिटी और नीड अगर चेंज होती है तो क्लास आप खुद को भी डेवलप करो, तो ये क्या है क्लास मैनेजमेंट को रिप्लेस करता है, आई को वी से रिप्लेस करता है, ये किसके अंदर था क्लास मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास फीचर्स की बात करते हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो इतना आप मान लो क्लास कि इनसे बाहर कुछ नहीं आना, लास्ट टू ईयर्स में आया भी नहीं है, आएगा भी नहीं, बिजनेस स्टडीज में तुम्हारे पूरे 200 में से 200 आएंगे, पूरी सीरीज को फॉलो करना, बस 24 वीडियोस, 12 कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी की रीडिंग और 12 आपका एमसीक्यू, और मुझे फीडबैक जरूर चाहिए कॉमेंट सेक्शन में, मजा आ रहा है कि नहीं, क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्या कमी है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में एक एक बच्चे बताओ, ओके। अच्छा अगला है क्लास मैनेजमेंट जो है वो डायनामिक फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ एंड इट्स गोल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एनवायरनमेंट। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो एनवायरनमेंट की नीड के अकॉर्डिंग भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, तो ये क्या है क्लास, ये है डायनामिक मैनेजमेंट जो है वो डायनामिक है। इनटेंजिबल है, द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू द प्लान, टारगेट प्लान्स के अकॉर्डिंग मेट किया जा रहा है, अगर नहीं किया जाता तो कौन सी कमी थी, मैनेजमेंट इंटेंजिबल। किया जा रहा है, एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड देयर इज ऑर्डरलीनेस इंस्टेड ऑफ क्योस। मैं सच बताऊं तुम्हें कोई और किताब उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी कर लो, ये एक एक क्वेश्चन क्लास पीवाईक्यू में आए हुए हैं, सेम यही वर्ड्स उठ के आए हुए हैं, पूछो टीचर से, खुला चैलेंज है अगर कोई मना कर दे तो। तो मैनेजमेंट का जो इफेक्ट है ना वो नोटिसेबल है और एम्प्लॉय हैप्पीली सेटिस्फाई है और क्लास टाइम पे काम को पूरा हो रहा है विदाउट एनी क्योस, विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो ये पे कौन सा फीचर है, इंटेंजिबल। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन से भी कर रहा है, कोऑर्डिनेशन भी कहीं ना कहीं आएगा, लेकिन ये फीचर्स की पूछेगा तो आप लिख देना इंटेंजिबल। अच्छा अब ऑब्जेक्टिव की बात करें, मैनेजमेंट के तीन ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर तीन चीजें आती हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब पता है आपको, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ 12th के अंदर। सर्वाइवल का मतलब अपनी कॉस्ट को कवर कर सको, जो आपकी कॉस्ट है ना, जो आपकी लागत है, आप उस लागत को कवर कर सको, उसको बोलते हैं सर्वाइवल। और प्रॉफिट का मतलब क्या है क्लास, प्रॉफिट प्रोवाइड वाइटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यू सक्सेसफुल ऑपरेशन। तो आप बिजनेस के ऑपरेशन को सही से कर सको उसके लिए प्रॉफिट जरूरी है, विदाउट प्रॉफिट आप बिजनेस को लंबे समय तक नहीं चला सकते। तो प्रॉफिट एसेंशियल है कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस, ये लाइन भी आ सकता है, प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस, के रिस्क को कॉस्ट को कवर करने के लिए प्रॉफिट जरूरी है। लेकिन हम मिनिमम कॉस्ट कवर कर सके कम से कम, हमारी लागत जो है वो हम कम से कम मिल जाए, वो सर्वाइवल है, ठीक है। ग्रोथ कैसे पता चलेगा, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ ऑफ बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम, ठीक है, जो सेल्स वॉल्यूम है उससे क्लास पता चलता है, सेल्स वॉल्यूम हो गया, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो गया, तो इन सब चीज से पता चलता है ग्रोथ। तो ग्रोथ कैसे पता चलेगा, ग्रोथ ऑफ द बिजनेस कैन बी मेजर्ड, सेल्स वॉल्यूम, नंबर ऑफ ब्रांचेस बन रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं, तो वो सब क्लास आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो गया। अब सोशल ऑब्जेक्टिव, कुछ ना कुछ क्लास सोसाइटी के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। इट इन्वॉल्व, सोशल ऑब्जेक्टिव अंदर क्या क्या आता है क्लास, इट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी। जहां पे सोसाइटी के लिए आप काम कर रहे हो, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो, जैसे क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी, ये लाइन आ सकती है सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर, आ चुकी है 12th में भी काम आता है, सीबीटी में भी, क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी, तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, पॉल्यूशन करने की बात नहीं की जा रही है, ये सारी चीजें क्या है क्लास आपका, ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है, ठीक है।
अच्छा पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या आता है क्लास, ठीक है, या पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या आता है, कॉम्पिटेटिव सैलरी देना, पर्क्स देना, सोशल नीड, पीयर रिकग्निशन, पर्सनल ग्रोथ हो गया, उसका डेवलपमेंट की बात की जाए, सेफ्टी सिक्योरिटी की बात की, जहां वर्कर काम कर रहा है, तो ये सारी चीजें क्लास उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है, तो पहचान लोगे कौन सा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट है इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की इंपोर्टेंस पहचानने की बात आएगी, तो ये यहां से क्वेश्चन बनता है। मैनेजमेंट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इन ऑर्गेनाइजेशन रेसिस्ट चेंज, लोग बदलना नहीं चाहते, किसी भी इंसान को चेंजेस पसंद नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट हेल्प करता है क्लास, ये लाइन पेपर में आ चुकी है। इट ऑफन मीन्स मूविंग फ्रॉम अ फैमिलियर एंड सिक्योर इन्वायरमेंट इंटू अ न्यू एंड मोर चैलेंजिंग वन। तो मैनेजमेंट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, इट मीन्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन रेसिस्ट चेंज, अगर कोई भी चेंजेस है तो बहुत, जो लोग फैमिलियर है ना क्लास, वो सिक्योर रहते हैं कि यार इस एनवायरमेंट में सिक्योर है, हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन क्लास ये हेल्प करता है मैनेजमेंट कि आपको चैलेंजिंग जॉब को एक्सेप्ट, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सको। मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है थ्रू डैश द मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल डेवलप टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टुवर्ड सक्सेस। तो ये डैश के अंदर क्या आएगा, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, या बोथ भी हो सकता है, अलग अलग लिखा हो। तो मोटिवेशन और लीडरशिप से मैनेजमेंट हेल्प करता है क्लास एक टीम स्पिरिट बनाने का, कोऑपरेशन बनाने का, और ग्रुप सक्सेस को अचीव करने का। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स टू डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देना, सर्विसेज देना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल, लोगों का भला करना क्लास, इकोनॉमी को ग्रोथ और डेवलपमेंट पे, लोगों को ग्रोथ और डेवलपमेंट की राह पे ले जाना। तो ये कौन सा है क्लास, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। टाइम लगेगा लेकिन क्लास ऐसा करोगे ना, बिजनेस स्टडीज का पेपर ना समय से पहले पूरा होगा और एक भी गलती नहीं होगी। अच्छा नेचर की बात करें, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में आपको पता होना चाहिए मैनेजमेंट प्योर आर्ट है, क्रिएटिविटी की वजह से, पर्सनलाइज एप्लीकेशन की वजह से मैनेजमेंट प्योर आर्ट है। तो कैसे लाइन आएगा इसके अंदर, देखो ये ऐसे आएगा लाइन, टू डांसर, एग्जांपल देगा, टू डांसर, टू स्पीकर, टू एक्टर, टू राइटर, टू टीचर विल ऑलवेज डिफर इन डिमॉन्स्ट्रेशिंग देयर आर्ट। अब तुम्हें ये चैप्टर वन हर कोई पढ़ा रहा होगा, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं यूट्यूब पे ऑफलाइन, लेकिन हर टीचर को, हर टीचर का समझाने का जो तरीका है वो एक आर्ट है, वो एक कला है। हर किसी को पता है 2+2=4 होता है, लेकिन किस टीचर ने बच्चों को कैसे सिखाया, वो एक कला है, वो एक आर्ट है। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, कौन से नेचर के बारे में क्लास बात कर रहा है, ये नेचर के बारे में बात कर रहा है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी हो सकता है, आर्ट में प्रैक्टिस क्रिएटिविटी होती है। अ गुड मैनेजर वर्क थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन। तो ये कौन सा नेचर है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट आर्ट है। ठीक है, ये भी आ सकता है। ऑल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर बेस्ड ऑन सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल। व्हाट डिस्टिंग्विश, सबके प्रिंसिपल सेम है, सक्सेसफुल मैनेजर फ्रॉम अ लेस सक्सेसफुल वन इज एबिलिटी टू पुट दीज प्रिंसिपल्स इनटू प्रैक्टिस। प्रिंसिपल्स तो सबको पता है, लेकिन उसको प्रैक्टिस कैसे, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया, चैप्टर सबको पता है ना, फंडामेंटल आप सबको पता है क्लास, कैलकुलेशंस कैसे करनी है अकाउंट्स के अंदर, बट बच्चे को कैसे सिखाया जाएगा वो आपका पर्सनलाइज एप्लीकेशन, आप क्रिएटिविटी यूज करते हो, तो वो कौन सा फीचर, कौन सा नेचर है मैनेजमेंट का आर्ट। ठीक है, एक और आर्ट के अंदर, अ मैनेजर अप्लाइज दी साइंटिफिक मेथड्स एंड बॉडी ऑफ लैंग्वेज टू अ गिवन सिचुएशन एंड इशू और प्रॉब्लम इन टू इज यूनिक मैनर। तो यूनिक मैनर में हम दिखा रहे हैं, तो वो आर्ट्स साइंस में नहीं कह सकता डॉक्टर कि यार चलो आज मैं एक अलग तरीके से ऑपरेशन करके दिखाता हूँ, नहीं कह सकता, वो सेट है उसका कैसे करना है, लेकिन आर्ट में ऐसा होता है। अच्छा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज यानी साइंस की बात करें, मैनेजमेंट साइंस है, तो ध्यान रखना क्लास दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जब भी कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप की बात की जाएगी, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट की बात की जाएगी, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है क्लास, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से बात की जाएगी, तो ये किसकी बात की जाएगी, साइंस की बात की जाएगी। यू मस्ट अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन दैट मैनेजमेंट हैज फीचर ऑफ बोथ। देखो मैनेजमेंट आर्ट साइंस दोनों है, मैनेजमेंट अगर बोला जाए प्योर आर्ट है, बोथ आर्ट एंड साइंस है, इन एग्जैक्ट साइंस है लेकिन प्रोफेशन नहीं है। क्या है बताओ, आर्ट है, बोथ आर्ट एंड साइंस है, इन एग्जैक्ट साइंस है। अब यहां पे क्लास ध्यान रखना, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड साइंस, मैनेजमेंट बोथ आर्ट एंड साइंस है, आर देयरफॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। देखो दोनों क्लास एक दूसरे के साथ इस्तेमाल आता है, आर्ट साइंस एक साथ चलता है, मैनेजमेंट जो है वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कहने का मतलब क्या है, बोथ कांट है। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, जैसे वॉर और पीस, युद्ध और शांति, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे क्लास, अलग अलग ही मिलेंगे, लेकिन मैनेजमेंट नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ध्यान रखना, स्टेटमेंट बोलेगा दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, घुमा देगा स्टेटमेंट को, तो मैनेजमेंट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर और बोथ आर साइंस होता है मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोफेशन की बात करें, प्रोफेशन में
द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन. तो कौन सा नेचर है आर्ट साइंस प्रोफेशन में जहां पे एंट्री एग्जामिनेशन के थ्रू बैन कर दिया जाता है कि भाई आप एग्जाम क्लियर करोगे, आप कितने ही अच्छे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं जानते हो, टैक्स कंसल्टिंग नहीं जानते, जब तक सीए का एग्जाम आप क्लियर नहीं करोगे ना भैया, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम के आगे नहीं कहलाया जाएगा, आपको ऑडिट करने का राइट नहीं दिया जाएगा. अच्छा, टॉप लेवल मैनेजर अगर फंक्शंस की बात करें, टॉप मिडिल लेवल, टॉप लेवल मैनेजर में चेयरमैन आता है, सीईओ आता है, सीएफओ आता है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है. और टॉप लेवल मैनेजमेंट फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या काम करते हैं, देयर बेसिक टास्क इज टू इंटीग्रेट. आप क्वेश्चन बोलेगा योर ग्रैंडफादर्स बेसिक टास्क इज टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बच्चे इसका मिडिल लेवल क्लिक करके आते हैं डिपार्टमेंट वर्ड को देख के, नहीं भैया ये टॉप लेवल मैनेजर्स है. टॉप लेवल मैनेजर्स इज रेस्पॉन्सिबल वेलफेयर, ये तो मैं 12th में पढ़ा चुका आपको. टॉप लेवल मैनेजमेंट वेलफेयर और रेस्पॉन्सिबल मतलब ग्रोथ और वेलफेयर के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट जिम्मेदार होते हैं, सर्वाइवल ग्रोथ के लिए. और आगे लिखा है दे फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर अचीवमेंट. तो गोल्स कौन बनाता है, गोल बनाने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का है. सरकार से कनेक्ट करने का काम, आउटसाइड द वर्ल्ड कनेक्ट करने का काम किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है. और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन सोसाइटी. कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट का ये काम होता है कि वेलफेयर ऑल द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस एंड इंपैक्ट इन सोसाइटी, तो वो रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस की सारी एक्टिविटी के लिए. टॉप लेवल के ऊपर ही उंगली उठती है, ठीक है, सक्सेस भी उसी को मिलता है. जैसे कैप्टन होता है ना, मैच जीती तो कैप्टन का नाम होता है, उसी तरीके से मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग है ना, इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान. जो भी टॉप लेवल ने प्लान बनाया उसको इंप्लीमेंट करना, रिक्रूट करने का काम, मोटिवेट करने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है, ठीक है. ये काम है मिडिल लेवल का, ये ध्यान रखना. टॉप लेवल का वो काम था, दीज टॉप वेलफेयर सर्वाइवल काम था, अलग अलग एक्टिविटी से कोऑर्डिनेट करना, इंटरलिंक करना ताकि ओवरऑल गोल के हिसाब से. बट मिडिल लेवल का क्या काम है, ये बहुत कंफ्यूजन होगा, ध्यान रखना. ऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कंपनी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करने का काम, वो मिडिल लेवल का मैनेजर्स का. बट ऑर्गेनाइजेशन के इस गोल के हिसाब से काम चलाना वो टॉप लेवल. तो इनमें डिफरेंस है, आप ध्यान रखना, एग्जामिनेशन बहुत कंफ्यूजन आ जाएगा. सुपरवाइजरी लेवल को फर्स्ट लाइन मैनेजर बोलते हैं, सिंस दे इंटरेक्ट विद एक्चुअल वर्कफोर्स और इंस्ट्रक्शन जो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के होते हैं वो वर्कर्स तक पहुंचाते हैं. ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर वगैरह आते हैं इसके अंदर, फॉरमैन आता है. थ्रू देयर एफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन, वेस्टेज ऑफ मेटल इज मिनिमाइज. कौन सा है, सेफ्टी स्टैंडर्ड, वेस्टेज को मिनिमाइज किया जाता है, ये कौन करता है, ये लोअर लेवल का या ऑपरेशन लेवल या सुपरवाइजर लेवल के मैनेजर करते हैं. ये भी क्लास क्वेश्चन आता है पेपर में, ध्यान रखना. प्लानिंग की बात करें, प्लानिंग वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो बात करता है व्हाट टू डू और हाउ टू डू. ध्यान रखना, व्हाट टू डू और हाउ टू डू जब आएगा, व्हाट और हाउ, तो वो क्लास आपका प्लानिंग हो गया. प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बट इट कैन प्रिडिक्ट, तो ट्रू फॉल्स में आ सकता है. प्लानिंग प्रिवेंट नहीं कर सकता प्रॉब्लम को, लेकिन उनको प्रिडिक्ट कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग पहले से अजम्पशन बना सकता है. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन डील करता है हु, वेयर और व्हेन, कब होगा. डील्स एग्जामिन एक्टिविटी, देखो ये भी लाइन पेपर में आती है, लिख लेना इसको. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन यानी कौन सा ऐसा फंक्शन है जो एग्जामाइन करता है एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द प्लान. कि प्लान को ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एग्जामाइन करता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज और कौन कौन से रिसोर्सेस हैं रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द प्लान. प्लान को इंप्लीमेंट करने में कौन कौन सा क्लास रिसोर्सेज, कौन कौन सी एक्टिविटीज की जरूरत है, वो आता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर. इट डिटरमाइन व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, कौन कौन सी एक्टिविटी चाहिए. इट डिसाइड हु विल डू द पर्टिकुलर टास्क, कौन करेगा और क्लास कहां और कब होगा. कौन करेगा, कहां होगा, कब होगा, ये डिसीजन क्लास ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर लिया जाता है. इसके अंदर डिपार्टमेंट वगैरह भी फॉर्म किया जाता है. अगर बात करें नेक्स्ट डायरेक्टिंग फंक्शन की, तो मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर द टू की कंपोनेंट ऑफ डायरेक्टिंग. ध्यान रखना, मोटिवेशन और लीडरशिप डायरेक्टिंग का बहुत की कंपोनेंट है. इसके अलावा सुपरविजन वगैरह भी आता है. बाकी क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर भी हमें पढ़ना है, वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है. अ गुड मैनेजर डायरेक्ट थ्रू प्रेज एंड क्रिटिसिज्म इन सच अ वे दैट ब्रिंग आउट द बेस्ट इन एम्प्लॉय. देखो, मैनेजर आपको क्रिटिसाइज भी करेगा, है ना, आप मतलब आपको इंसल्ट भी करेगा, आपको अप्रिशिएट भी करेगा, हर चीज करेगा इस तरीके से ताकि आप अपना बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करो. जैसे आपके पेरेंट्स, आपके टीचर बुरा भला ही बोलते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, तो ये कौन से फंक्शन के अंदर आता है, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हियर. तो ये कहाँ क्लास डायरेक्टिंग फंक्शन हाईलाइटेड है. भाई कंट्रोलिंग में तो पता है कुछ गलतियां होंगी, उसको ठीक करेंगे ताकि वो गलती रिपीट ना हो, और कंट्रोलिंग प्लानिंग को ब्रिंग बैक लेके आता है, दोबारा प्लानिंग को लेके आता है. नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है क्लास कोऑर्डिनेशन. देखो, एक चैप्टर से लगभग समझ के चलो 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैक्स टू मैक्स, ठीक है.
दो तीन क्वेश्चन किसी में, बड़े चैप्टर तो चार पांच क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, चार या पांच क्वेश्चन भी, बट जनरली आप तीन से चार मान के चलो, एवरेज ले लो तो चार क्वेश्चन ऑन अराउंड इस चैप्टर से पूछा जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेशन से भी क्वेश्चन आएगा, इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर अचीविंग हार्मनी अमंग इंडिविजुअल एफर्ट्स टूवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल। ध्यान रखना ये लाइन सेम टू सेम क्लास एनसीईआरटी उठ के आ जाएगी, बोलेगा बताओ कौन सा टॉपिक यहाँ हाईलाइट हो रहा है, वो कोऑर्डिनेशन हाईलाइट हो रहा है। अगला, अ मैनेजर हैज टू लिंक द डाइवर्स ग्रुप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। कौन सा स्टेटमेंट है, किसकी बात चल रही है, कोऑर्डिनेशन की। द मैनेजमेंट, द मैनेजर हैज टू लिंक द डाइवर्सिफाइड ग्रुप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। अगला, कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन होगा तो क्यों कंफ्यूजन नहीं होगा, स्मूथली गोल को अचीव किया जाएगा। Coordination therefore involve synchronization of different activities or effort of various unit of an organization. These provide the requisite amount, quality, timing and sequence of effort which ensure that plan objective are achieved with minimum conflict. ये है तुम्हारे काम का word, synchronization. Goal achieve होगा minimum conflict से। Coordination एक binding function है, ठीक है, common goal को achieve करने में help करता है। तो जो ये highlight करो ना, ये important है। तो तुमको अगर ये नोट्स कहीं से मिल जाए तो ऐसा मत समझना नोट्स से बात बन जाएगी, वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, बिकॉज मैं इस नोट्स को वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बुक तो आपके पास पहले से भी थी, समझ रहे हो। अगर मैं क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो सबसे पहला, कोऑर्डिनेट इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, ग्रुप के एफर्ट्स को जोड़ता है, कॉमन दिशा में लेके जाता है। कोऑर्डिनेशन यूनिफाई अनरिलेटेड, ठीक है, और डाइवर्सिफाई इंटरेस्ट, लोगों के अलग अलग डाइवर्सिफाई इंटरेस्ट को लेके कॉमन जगह पे लेके चलता है, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन यूनिटी ऑफ एक्शन को प्रमोट करता है, कॉमन पर्पस की तरफ लेके चलता है। इट एक्ट्स द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड इंश्योर दैट ऑल एक्शंस एम्ड एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। जितने भी एक्शंस लिए जा रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए लिए जा रहे हैं, ये आपको क्लास अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल एक्शंस इज एम एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, तो जितने भी एक्शंस लिए जा रहे हैं वो क्लास ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए लिए जा रहे हैं, ठीक है। ये रहा गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसके अंदर आता है पॉइंट, ये पॉइंट आएगा कोऑर्डिनेट इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन के अंदर। बोलेगा कौन सा फीचर है कोऑर्डिनेशन का, ऑल परवेसिव है, इट इंटीग्रेट एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट लेवल। इससे पता चलता है, अब देखो इस लाइन का कहीं भी परवेसिव से लेना देना नहीं है, बट क्योंकि पूछा जाएगा, मैं आपको एक ही दिन में 12 चैप्टर करा सकता हूं, लेकिन मैं क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि आज आप इस नोट्स को अच्छे से लिखो, अपनी कॉपी में लिख के मेंटेन करो, कल इसी बेसिस पे हम पीवाईक्यू बनाएंगे, पॉइंट क्वेश्चन बनाएंगे, वो बनेगा तो वो भी एक तरीके का रिवीजन हो जाएगा। तो इससे क्लास दो दिन में हमारा एक चैप्टर बहुत परफेक्ट तरीके से हो जाएगा, और फिर उसके बाद फिर ऐसी करके दो दो दिन में एक चैप्टर खत्म करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन ऑल परवेसिव फंक्शन है, इट मींस इट इंटीग्रेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट लेवल। तो हर अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लेवल को, सबको कोऑर्डिनेशन चाहिए, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, है ना, प्रॉफिट मेकिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, स्कूल, हॉस्पिटल, क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, सबको कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन चाहिए। अगला है कोऑर्डिनेशन, जो नेक्स्ट पॉइंट है ये ऑल परवेसिव के अंदर आ गया क्लास यहाँ पे। इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन देयर इज ओवरलैपिंग एंड क्यूज इंस्टेड ऑफ हार्मनी और इंटीग्रेशन। किसके एब्सेंस से, किस कॉन्सेप्ट के एब्सेंस से ओवरलैपिंग और क्यूज होता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ओवरलैपिंग, क्यूज, हार्मनी और इंटीग्रेशन पे सवाल उठता है, किसके क्लास, कोऑर्डिनेशन पे। कोऑर्डिनेशन डेलिबरेट एक्शन है, इट मींस व्हेन एवरीवेयर मेंबर ऑफ डिपार्टमेंट विलिंगली कोऑपरेट एंड वर्क, कोऑर्डिनेशन गिव्स अ डायरेक्शन टू दैट विलिंग स्पिरिट। तो कोऑर्डिनेशन क्लास उस विलिंग स्पिरिट को डायरेक्ट करता है। देखो आप हर किसी से कोऑर्डिनेट करके ही काम कर पाओगे, गोल अचीव कर पाओगे, तो कौन आपको पुश करता है ताकि आप सब लोग मिलकर काम करो, डेलिब्रेट, जानबूझ के आपको सबसे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। बट कोऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में लीड्स टू वेस्टेड एफर्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन में लीड्स टू डिससेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉय। तो भैया कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन दोनों जरूरी है। कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट होता है, कोऑपरेशन इंटेंशनली होता है, आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, तो दोनों ही कंपनी में जरूरी है, तभी क्लास एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेंगे। कोऑर्डिनेशन देयरफॉर इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट वेरी एसेंस। तो कोऑर्डिनेशन क्या है क्लास, सेपरेट फंक्शन नहीं है लेकिन एसेंस है। तो बस इतना ही है, ये क्लास हमारा पूरा का पूरा खत्म हो गया। आज हमने चैप्टर वन, जो घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है वो ये है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो क्लास आपको पता है। तो मैंने चैप्टर वन मैनेजमेंट आप अच्छे से खत्म कर लिया। SPCC ऐप पे आप जाके क्लास, लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, जो बहुत बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं CoET की, हम और एक नेक्स्ट अपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं ताकि आपका कॉलेज आपको जरूर मिले। तो जाके लाइव या रिकॉर्डेड जो भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जब मॉक टेस्ट आएंगे ना क्लास, 60 मॉक टेस्ट आने वाले हैं अकाउंट इको BST में, जो कि बहुत हेल्प करेंगे, इससे पूरा का पूरा पेपर कवर होगा। और इन कॉन्सेप्ट की, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं कल डालूंगा। तो स्टे कनेक्टेड, देखो लाइक जरूर करना क्लास, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना, सो दैट कि यार कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेशन मिले और मेहनत करने का और जल्दी जल्दी वीडियोज को डालने का, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।